अस्सलामुअलैकुम फैब्रिकेशन विश्व में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे इक्वल टी इक्वल सैडल की कैलकुलेशन, मार्किंग, कटिंग और फिटअप। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर पाइप पे मार्किंग करेंगे, कटिंग और लास्ट में फिटअप करेंगे। अब हम इक्वल टी इक्वल सैडल की कैलकुलेशन समझते हैं, इसके बाद पाइप पे मार्किंग करेंगे, कटिंग और फिटअप करेंगे। देखें ये जो कुलिया मैं आपको बताऊंगा, इसकी मदद से आप एनपीएस 4 इंच है, 8 इंच, 12 इंच, 24 इंच की पाइप है तो आपने इक्वल सैडल इक्वल टी आपने बनानी है तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। हमारे पास जो पाइप है उसका ओडी है 114 मिलीमीटर, डिग्री है 90। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीएफ फाइंड करेंगे। सीएफ फाइंड करने का फार्मूला है डाया मल्टीप्लाई 3.1416 के, हमारे पास सीएफ आ जाएगा 358। मैं यहाँ पे आर सेंटर लाइन में मार्किंग करूंगा। जब आप ये आठ सेंटर लाइन में मार्किंग समझ जाएंगे तो फिर आप 12 सेंटर लाइन, 16 सेंटर लाइन में भी मार्किंग कर सकेंगे। देखिए 8 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 45 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने वो समझना है। इसका फार्मूला, इसका फार्मूला है ओडी ओवर 2, ठीक है। अब यहां पे डिवाइड टेन, यहां पे डिग्री, डिग्री कितनी है 90, ठीक हो गया। अब यहां पे हम इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। ओडी हमारे पास है 114 मिलीमीटर डिवाइड 2, अब यहां पे डिवाइड 10, डिग्री कितनी है 90, ठीक है। अब यहां पे आपने इसकी कैलकुलेशन समझनी है। देखें क्या करेंगे कि 114 डिवाइड करेंगे 2 पे, हमारे पास आ जाएगा यहां पे 57, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं, ये 57 आ गया। अब डिवाइड क्या है 10 90, अब हम 10 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 90 डिग्री, हमारे पास इसका जवाब आता है 1.63, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, 57 डिवाइड कर देंगे 1.63 पर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 57 डिवाइड करेंगे 1.63 पर, हमारे पास इसका जवाब आता है 35 मिलीमीटर। यह पहला जवाब हमारे पास इसका आ गया। मैं बताता हूं इसका करना क्या है। देखिए हम आठ सेंटर लाइन में इसकी मार्किंग कर रहे हैं। देखिए डिवाइड किया था, आठ पे हमारे पास आया था 45 मिलीमीटर, यानी कि हम पाइप पर आठ लाइनें लगाएंगे और एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 45 मिलीमीटर। अब यहां पे देखें, 1 2 3 4 5, ये पांच लाइनें हैं, तीन लाइनें अभी रहती हैं। मैं आपको समझाता हूं उसका करना क्या है। देखें ये जीरो डिग्री वाली लाइन होगी, ये 45, ये 90, 45 और ये जीरो डिग्री। अब ये 45 और 45 कैसे आया, देखिए हम आठ सेंटर लाइन में कर रहे हैं 360, इसे डिवाइड करेंगे आठ पे, हमारे पास जवाब आता है 45, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के जो डिग्री बन रही है वो है 45 डिग्री। अब आप इस स्केच को थोड़ा सा समझे, जब हम पाइप पे जाएंगे तो फिर आपको तफसीली तौर पे ये समझ आएगा। देखिए हमने 35 मिलीमीटर वैल्यू फाइंड की थी, यही थी 90 डिग्री की, यानी कि यहां पे हमने एक निशान लगा देना पाइप के फेस से, यहां पे लगा देना हमने 35। अब हमने 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे साइन कितनी डिग्री की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 45 डिग्री, मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू आई है, कितनी आई है 35। अब हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें क्या करेंगे, यहां पे साइन 45 डिग्री, अब इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 35 के साथ, हमारे पास इसका जवाब आता है 25 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब इसका क्या करना है, देखें ये हमने मालूम किया, फाइंड की ये 45 डिग्री की वैल्यू, ये जो हमने लाइन लगाई थी, यानी कि यहां पे पाइप के फेस से कितनी डायमेंशन आएगी 25 और इसी तरह इसी तरफ। अब क्या करेंगे, ये जीरो डिग्री वाली लाइन को इस तरह मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ इस तरह मिला देंगे और इसे इस तरह मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें 1 2 3, तीन लाइनें, ये तीन पाइप के इसके ऑपोजिट साइड पे होंगी, छह लाइनें हो गई और ये 7 और ये 8, जिस तरह हमने मार्किंग इस तरफ की है टॉप पे, इसी तरह हम पाइप के जो कि हम बॉटम पे भी मार्किंग करेंगे। अब यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं 8 सेंटर लाइन में कर रहा था, अगर आपने यहां पे करनी है 12 सेंटर लाइन में या 16 सेंटर लाइन में, फॉर एग्जाम्पल आपने करनी है 12 सेंटर लाइन में मार्किंग, तो आप क्या करेंगे 360 को डिवाइड कर देंगे आप 12 पे, तो आपके पास जवाब आएगा 30 डिग्री, यानी कि फिर आपके पास पहली डिग्री आएगी यहां पे 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री,
तो आप क्या करेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद 60 डिग्री की, इस फार्मूले के जरिए 30 और 60 की मालूम करेंगे, और 90 की जो आपने डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है वो इस फार्मूले से करनी है। अब हम पाइप पे मार्किंग करते हैं, मार्किंग के बाद कटिंग और फिटअप करते हैं। अब देखें ये हमारे पास पाइप है एनपीएस 4 इंच का, इसका हमने सीएफ लिया 8, सेंट्रल लाइन में मार्किंग कर रहे हैं, 8 पे डिवाइड किया 45 मिलीमीटर आया, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है ये है 45 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम 8 सेंट्रल लाइन में कर रहे थे तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखें ये दो 0 डिग्री वाली लाइन होगी, ये भी 0 डिग्री वाली लाइन और यहाँ पे ये भी 0 डिग्री वाली लाइन। अब क्या था 45 90 45, ये 45 90 45 डिग्री हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, 90 की थी 35 मिलीमीटर, और इसी तरह जो हमारे पास 45 डिग्री थी उसकी वैल्यू आई थी 25 मिलीमीटर। ये हमने पहले पाइप पे 8 लाइनें लगा देनी है, उसके बाद क्या किया ये 90 डिग्री साथ आपने सारी डिग्रियां लिख देनी है। देखिए जिस तरह टॉप पे मार्किंग है इसी तरह बॉटम पे है, पहले मैं आपको टॉप की मार्किंग चेक करवाता हूँ। देखिए हमारे पास था पहली डायमेंशन आई थी हमारे पास 35 मिलीमीटर, अब यहां पे आपने देखना है, ये देखें ये हमने 35 मिलीमीटर पे मार्किंग कर दी जो 90 डिग्री की वैल्यू आई थी, इसी तरह ही 45 डिग्री की वैल्यू आई थी 25 मिलीमीटर, देखें ये वाली मार्किंग यहां पे कर दी और सेम यही वाली मार्किंग हमने इस तरफ कर देनी है। इसके बाद हमने क्या किया, रैप राउंड की मदद से हमने इसे मिला दिया, ठीक है। अब मैं बॉटम वाली साइड दिखाता हूं आपको, ठीक है। इस तरह भी आपने क्या करना है कि आपने डिग्रियां लिख लेनी है, देखिए यहां पे ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री 90 डिग्री और 45 डिग्री, यहां पे हमने 35 की मार्किंग की, इसके बाद यहां पे 25 मिलीमीटर जो हमने कैलकुलेशन की थी, यहां पे 45 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी 35 मिलीमीटर हमने ये मार्किंग की। अब क्या करेंगे, यहां पे देखें जिस तरह यहां पे 0 डिग्री वाली लाइन को इस तरह मिलाया है, इसी तरह ही हमने यहां पे इस तरह हमने रैप राउंड की मदद से हमने इस तरह रखना है रैप राउंड, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इस तरह हमने रखना है 0 डिग्री वाली लाइन पे और यहां पे इनको इस तरह मिला देना है, ठीक है। यहां पे देखें इस तरह ये 0 डिग्री वाली लाइन पे, ठीक है। इसी तरह ही हमने इस साइड पे भी 0 डिग्री वाली लाइन पे रख के इसे मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद इसका फिटअप करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन की, मार्किंग की, कटिंग और अब हम फिटअप करके इसका देखते हैं। देखिए इस तरह मैंने पाइप के ऊपर इसे रखा, ठीक है। अब मैं इसके साथ ये राइट एंगल लगाता हूं, देखें यहां पे बिल्कुल ये 90 डिग्री में आ रही है। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।